पीरियड के दौरान सेक्स करना सेफ है या नहीं, क्या इस समय अगर आप सेक्स करते हो यानी कि आप इंटीमेट होते हो तो क्या जो है उस समय प्रेगनेंसी का खतरा रहता है, पूरे वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मैं हूँ आरोही और प्लीज़ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड होता क्यों है। पीरियड जो होता है महिलाओं में मासिक चक्र होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महिलाओं के शरीर में जो उनका एग है, जो अंडा है, वो जो है फूट जाता है और उसके बाद वो ब्लड जो है रिलीज हो जाता है, तो उसे ही पीरियड कहते हैं। ये हर महीने होता है और इसका जो साइकिल होता है वो 28 डेज का यानी 28 दिन में होता है। लेकिन कौन से ऐसी टाइमिंग है वो जिस समय वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो वो टाइमिंग होता है कि उसे हम कहते हैं ओवुलेशन का पीरियड। ओवुलेशन का पीरियड में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पीरियड कंसीव करने का। लेकिन जब पीरियड हो जाती है यानी कि पीरियड आ गई, फ्लो हो रहा है ब्लड, उस समय बहुत सारे जो है लोग इंटीमेट होते हैं, संबंध बनाते हैं और वो सोचते हैं कि इस समय इंटीमेट होना यानी संबंध बनाना सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूँ कि अगर इंटीमेशन पीरियड के दौरान अगर आप संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं और उस समय स्पर्म जो है रिलीज करते हैं वेजिना के अंदर, फीमेल्स के वेजिना में, तो उस समय प्रेगनेंसी का खतरा और ज़्यादा रहता है। क्योंकि उस समय जो आपका स्पर्म यानी कि मेल्स का स्पर्म होता है वो जो है फेलोपियन ट्यूब के पास ही रहता है और वो जो स्पर्म है वो 5 दिन तक जिंदा रहता है और बॉडी पे रहता है और वेट करता है फर्टिलाइजेशन कब करे और कब कंसीव करे। तो इस वजह से ऐसा नहीं है, फीमेल जो मेल और फीमेल जो पार्टनर है ये सोचते हैं कि पीरियड के समय सेक्स करना बिल्कुल ही सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड में भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस 80-90% तक रहते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से सुन लो कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से जाननी होती है अपनी बॉडी के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।